हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन जो सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को सताता है उसका आंसर करना चाहूँगा। सभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। कोई कहता है 12 घंटे, कोई 18, कोई तो कहता है 20 घंटे। तो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और क्या आइडियल स्टडी आवर्स होने चाहिए वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे को ऑल इंडिया रैंक 102 रिसीव हुआ है अभी, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम का रिजल्ट जब घोषित किया गया। तो मेरे केस में दो एरियाज थे, पहले जब मैं जॉब करता था, दूसरी बार जब मैं जॉब नहीं करता था। जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम मैं क्या करता था, मैं जॉब करते वक्त मेरे को 6 आवर्स प्लस डेली मैं कोशिश करता था अपने रूटीन से निकालने की पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए। और जब वीकेंड्स होते थे, जैसे संडे को छुट्टी होती थी या कोई फेस्टिवल्स होते थे, उस टाइम पे जो छुट्टी होती थी तो मैं कोशिश करता था उसमें और भी एक्स्ट्रा पढ़ पाऊँ, प्लस 4 कर पाऊँ इसके अंदर। ये मेरा जब मैं जॉब के टाइम का जो मेरी सिचुएशन थी वो है। उसके बाद मैंने 2018 में जब अपने जॉब से रिज़ाइन किया तो मैंने डिसाइड किया कि मिनिमम 10 आवर्स तो मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्पेंड करूँ। तो जो दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी अकेले बिना जॉब किए कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप 10 आवर्स प्लस डेली गिव करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये बात तो है कि इतने घंटे के लिए पढ़ोगे तो माइंड थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रेस करने के लिए आप चीट डेट्स रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, महीने में, 2 हफ्तों में एक बार आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, उनसे दूसरी बातें कर सकते हैं, फैमिली से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, उस टाइम पे भी, चीट डेज के टाइम पे भी, जब आप 1 या 2 घंटे तो पक्का पढ़ें, नहीं तो जो दिमाग का जो रूटीन है पढ़ाई के स्टडीज के लिए, वो रूटीन एक तरह से फॉल्टर हो जाएगा और आपकी जो आदत है पढ़ने की वो कमजोर हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। आई होप आपके जो ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बार बार उठता रहता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने उसको आंसर करने की कोशिश की है। थैंक यू।